नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे HSSC भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो 56 और 57 ग्रुप के लिए भाई एक और लिस्ट जारी होगी है, अनाउंसमेंट कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो आगे दिया हुआ CET का रजिस्ट्रेशन नंबर और कौन कौन सी पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक नया नोटिस जारी हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कैंडिडेटों की जो प्रीवियस शॉर्टलिस्ट कैटेगरी थी और फाइनल शॉर्टलिस्ट कैटेगरी है उनमें भी चेंज हुआ कुछ, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे ये कैंडिडेट 382 में शॉर्टलिस्टेड था, अब ये 382 में शॉर्टलिस्टेड नहीं है, ठीक है। 22036 एग्जाम देने वाला था, अब इसको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि सभी कैटेगरी से 380 से भी बाहर हो गया है, ठीक है। तो ये झटके भी लगे हैं, ये कैंडिडेट जैसे 334 में एग्जाम देना था, इसको 320 में भी एग्जाम दे पाएगा अभी, ठीक है। तो इस तरीके ये कैंडिडेट 380 में एलिजिबल था, अब ये एलिजिबल नहीं है, इसको बाहर कर दिया गया। तो ये नया नोटिस डाला गया है, ठीक है। कैटेगरी वाइज जो है 380 में बहुत बार हुए हैं, आप देख सकते हो। तो पोस्ट वाइज का ये मैटर है, ठीक है, आप सभी को पता है पोस्ट वाइज शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं और नीचे देखोगे प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एट प्रेजेंट डेटेड 12 अगस्त, फाइनली शॉर्ट लिस्टेड। तो जैसे ये कैंडिडेट है 39-62, अब ये कैंडिडेट सिर्फ 380 वाली कैटेगरी में एग्जाम दे पाएगा, ठीक है। ये 380 में दे सकता था, अब ये 380 में भी नहीं दे सकता, ये कैंडिडेट भी बाहर हो गए हैं। तो ये नया नोटिस जो है HSSC ने डालने का काम किया है, बहुत से कैंडिडेट बाहर हुए हैं, ठीक है, शामिल कम हुए हैं लगता है, बाहर ज़्यादा कर दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये कैंडिडेट बाहर कर दिए हैं सारे 380 से। तो ये ग्रुप 56-57 के लिए रहेगा, ठीक है, बाहर करें भाई सबसे ज़्यादा, देख लो यहाँ पे 380 से बाहर ही किए हैं, नन 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 लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे सारे ये बाहर ही करें 380 से। तो ये 56-57 के लिए नोटिस रहेगा। बात कर लेते हैं ग्रुप डी पोर्टल की, तो ग्रुप डी पोर्टल भी चला हुआ भाई साथ में, ठीक है। ग्रुप डी पोर्टल कौन सा, जो 12 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक चलाया गया है, जिसमें आप अगर BCA BCB कैटेगरी से हैं और आपने जर्नल से फॉर्म रखा है, आपका सर्टिफिकेट बन गया नया, तो वो फॉर्म भी वो सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, ताकि जो 2600 पोस्टें हैं उनकी जो लिस्ट जारी होगी उनमें आपको BCA BCB कैटेगरी में काउंट किया जा सके, आपको आपकी कैटेगरी का बेनिफिट मिल सके। बाकी कैटेगरियों को तो कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, बाकी का तो सीधा लिखा आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। तो अगर किसी ने जर्नल से फॉर्म भरा हुआ है BCA BCB वाले ने, तो वो अपनी कैटेगरी चेंज ज़रूर कर सकता है, ठीक है, अगर उसका नया सर्टिफिकेट बन चुका है BCA BCB का, जो क्रीमी लेयर मुख्यमंत्री जियों के द्वारा घोषणा की गई, सरकार के द्वारा बढ़ाई गई 6 से 8 लाख जो की गई है, उस क्रीमी लेयर के तहत अगर सर्टिफिकेट बन गया है तो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। 2600 पोस्टें जो आएंगी, ठीक है, 2600 जो पोस्टें आएंगी उसमें BCA BCB की जितनी पोस्टें होंगी उसमें फ़ाइट आप करोगे, अगर नंबर ज़्यादा हैं तो आपके जर्नल में चले जाओगे, नहीं तो आप आपकी कैटेगरी में फ़ाइट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ का भी अंतर होगा ज़रूर एक दो नंबर का, तो ठीक है। तो इस कारण से अगर जर्नल के बराबर नंबर नहीं है, अगर BCA BCB के बराबर नंबर हैं, तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।